नमस्कार, मैं रोहित महाजन आपके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ लेके आ गया हूँ। तो नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू आपको पता है आउटसोर्स बेसिस पे 1450 पोस्टें भरने की मुहिम छिड़ी हुई है आजकल। तो आपको पता ही है जिला सिरमौर में जो है 6 तारीख को इंटरव्यू होने जा रहे हैं। तो अभी एक नई बात सुनने को मिली है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में भी इंटरव्यू जो है हो चुके हैं। तो मंडी में हो गए, कांगड़ा में हो गए, ऊना में हो गए, हमीरपुर में हो गए, ठीक है। तो 4 डिस्ट्रिक्ट में आप सभी को पता है कि ये इंटरव्यू हो चुके हैं और सिरमौर की डेट है 6 तारीख को। और डिस्ट्रिक्ट शिमला की बात की जाए, सुन्नी, रामपुर, जुग्गा, ठियोग, रोड़ू इन क्षेत्रों के लिए जो है कंपनी को ठेके दिए जा चुके हैं, ठीक है। और हमारे पास जो है बिग इन्फॉर्मेशन जो है पता लगी है कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में डॉक्यूमेंट सबमिशन शुरू हो चुके हैं पिछले कल से। तो स्टाफ नर्स की ही पोस्टें कंफर्म हुई हैं 200, सिर्फ 3 पोस्टों के लिए कंफर्म हुआ है कि इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, एक स्टाफ नर्स, एक एसटीएस और एक ओटीए और एक टीबीएचपी, ठीक है। तो ये 3 पोस्टें हैं, स्टाफ नर्स, टीबीएचपी, ओटीए। तो एसटीएस के लिए तो लग रहा नहीं है, ये 3 पोस्टें हैं, स्टाफ नर्स, ओटीए, टीबीएचपी। तो आपको जो है ज़्यादा जानकारी के लिए अगर आप जाना चाहते हैं इंटरव्यू देने, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे आप मेरे को मैसेज कीजिए। आपको जो है मोबाइल नंबर प्लस हर एक चीज़ मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। तो एड्रेस आपको बता दिया जाता है, तो आप देख सकते हैं जीडी राणा एसोसिएट करके है कंपनी का नाम, नियर एसपीएम स्कूल, संजौली, शिमला, या फिर नियर इंजन घर, संजौली, शिमला में है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम बिलो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है जीडी राणा एंड एसोसिएटेड ने जो है डॉक्यूमेंट सबमिशन करना शुरू कर दी है। तो वहाँ पे जाके आप जो है, अगर आप लोकली हैं तो वहाँ पे जाके आप कंफर्म कीजिए और अपने डॉक्यूमेंट जल्द से जल्द जो है सबमिट कराइए। तो सिर्फ 3 पोस्टें बताई गई हैं, स्टाफ नर्स, टीबीएचपी और ओटीए। बाकी अगर इनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो आप मेरे को जो है टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, हम जो है आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो बाकी रामपुर का अलग कंपनी को गया है ठेका, सुन्नी का जो है अलग कंपनी हो गया है ठेका, जुग्गा, ठियू, रोड़ू, ठीक है, इन तीनों का एक कंपनी हो गया है। तो बाकी इतनी ही इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो है कलेक्ट हो पाई है। बाकी हमने 2 कंपनी से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है, तो उन्होंने न्यूज़पेपर में निकाला नहीं है और कह रहे हैं कि डायरेक्ट कैंडिडेट को भेजो हमारे पास, हम डॉक्यूमेंट उनके ले लेंगे। अब पता नहीं किस हिसाब से भर्ती हो रही है, क्या ये सही है कि गलत है। और बड़ी मुश्किल से हमें जीडी राणा एसोसिएशन की इन्फॉर्मेशन मिली है, इन्होंने भी पिछले कल से डॉक्यूमेंट लेना शुरू कर दिए हैं। तो वहाँ पर जाके आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराइए और अधिक जानकारी लीजिए। और कॉन्टैक्ट नंबर बड़ी मुश्किल से अरेंज हुआ है, बट उन्होंने मना किया था कि देने के लिए। तो चलो, फिर भी जो इंटरव्यू देना चाहते हैं उनको हम जो शेयर कर देंगे टेलीग्राम पर। बाकी एक और कंपनी के एमडी से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने ये बोला है कि जो भी कैंडिडेट, उनके पास सिर्फ स्टाफ नर्स का ही है, जो भी कैंडिडेट स्टाफ नर्स के लिए आना चाहती हैं वो डायरेक्ट मेरे साथ कॉन्टैक्ट करें। तो बस इतनी हमारी टेलीफोन के लिए बात हुई है। तो बाकी और कोई जानकारी मिलेगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आ सके। हाँ, अब इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, तो अब स्टाफ नर्स के लिए देख लीजिए ये क्वालिफिकेशन है, ठीक है। +2 प्रेफरली विद साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी और स्कूल एजुकेशन। क्वालिफिकेशन ए ग्रेड नर्स डिप्लोमा इन जीएनएम और बीएससी नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। मस्ट बी रजिस्टर्ड इन एचपी स्टेट काउंसिल, नर्सिंग काउंसिल, ठीक है। तो ये है स्टाफ नर्स की क्वालिफिकेशन। अभी हमारे पास 3 ही पोस्टों की शॉर्टी है जो कि इस कंपनी द्वारा इंटरव्यू लिया जा रहा है। एक तो हो गया आपको स्टाफ नर्स, एक ओटीए, ओटी की पोस्ट ही इन्होंने शेयर नहीं की। ओटी की आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, 12th विथ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो विथ 50% फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ स्कूल यूनिवर्सिटी। मस्ट हैव पास्ड ओटी ट्रेनिंग कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, ठीक है। और बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी में आपके पास से डिग्री होनी चाहिए। तो आप पढ़ सकते हैं जो भी इन्होंने लिखा है, ठीक है। ये हो गया ओटी का। नेक्स्ट है टीबीएचपी, तो ये है नेक्स्ट पोस्ट, TBHV, ट्यूबरकुलोसिस हेल्थ विजिटर। तो ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और
इंटरमीडिएट प्लस टू एंड एक्सपीरियंस वर्किंग एज MPW LHP ANM हेल्थ वर्कर सर्टिफिकेट और हायर कोर्स फ्रॉम हेल्थ एजुकेशन काउंसलिंग ट्यूबरकुलोसिस हेल्थ विजिटर रिकॉग्नाइज कोर्स सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर ऑपरेशन मिनिमम 2 मंथ। ठीक है, तो एक्सपीरियंस वाले को जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। तो बस ये 3 वैकेंसी के लिए छोटी है हमारे पास, तो आप जाइए डॉक्यूमेंट जमा कराइए और अधिक जानकारी वहाँ से आप ले सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए।